तो आज का पहला न्यूज है इलिया टुपोरिया को लेके। इलिया टुपोरिया ने शेयर किया हुआ है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी फाइट करने के लिए शॉन ओ'मैली के साथ। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इलिया टुपोरिया इंटरेस्टेड है शॉन ओ'मैली के साथ फाइट करने के लिए, और शॉन ओ'मैली ने भी कहा था कि मैं भी फाइट करना चाहता हूँ अपर डिवीजन में जाके इलिया टुपोरिया के साथ, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। तो ये तो सुपर फाइट होने से रहा, इसलिए कि इलिया टुपोरिया ने साफ कर दिया है कि अभी जब शॉन ओ'मैली अपना बेल्ट को डिफेंड नहीं कर पाया, वो हार गया मेराब डेवालिशविली के हाथों, और मेराब है मेरा दोस्त, तो उसके साथ तो मैं फाइट करने से रहा, और शॉन ओ'मैली वो उतना कैपेबल है नहीं कि वो मुझसे अभी फाइट करे। तो ये कहना था इलिया टुपोरिया का। तो इलिया टुपोरिया ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो फाइट नहीं करना चाहता है शॉन ओ'मैली के साथ। तो अगर बात हो रहा है शॉन ओ'मैली का, तो मैं आपको बता दूं कि शॉन ओ'मैली के बारे में जो मैंने कहा था कि वो करीब 9-10 महीने के लिए UFC से लेने वाला है ब्रेक, तो वो अभी शॉन ओ'मैली ने मना कर दिया है कि वो नहीं लेने वाला है ये ब्रेक। शॉन ओ'मैली ने अपना फाइट जो हुआ था उसका मेराब डेवालिशविली के साथ, उसको वापस से वो घर पे बैठ के देखा है अपने टीम के साथ, और वो ये कंक्लूजन में पहुंचा है कि वो नहीं हारा है, बल्कि वो 3 राउंड जीता है और मेराब 2 राउंड जीता है। मेराब को गिफ्ट कर दिया गया है UFC के तरफ से ये बेल्ट। तो ये कहना था शॉन ओ'मैली का। तो शॉन ओ'मैली ने क्लेम किया है कि वो वापस से रीमैच करेगा मेराब डेवालिशविली के साथ। तो ये कहना था शॉन ओ'मैली का। तो क्या आपको लगता है कि शॉन ओ'मैली को रॉब कर दिया है UFC वालों ने? तो इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से कौन जीता है वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है हमजा चिमाइब के तरफ से। हमजा चिमाइब ने शेयर किया हुआ है कि वो जो फाइट करने वाला है रॉबर्ट विडिकर के साथ, तो रॉबर्ट विडिकर है उसका लाइफ में सबसे टफेस्ट ओपोनेंट। ये कहना था हमजा चिमाइब का। हमजा चिमाइब ने कहा है कि मैंने अभी तक जिनसे भी फाइट किया है उन सभी से रॉबर्ट विडिकर अच्छा है, इस वजह से वो थोड़ा खतरनाक है मेरे लिए, लेकिन मैंने अपना ट्रेनिंग कैंप चेंज कर दिया है। जिस ट्रेनिंग कैंप में मैं पहले ट्रेनिंग किया करता था वो ट्रेनिंग कैंप अभी मैंने छोड़ दिया है। मैं नया ट्रेनिंग कैंप में हूँ और अभी यहाँ पे मैं नया नया टेक्निक सीख रहा हूँ, और वो टेक्निक काफी है रॉबर्ट विडिकर को हराने के लिए। रॉबर्ट विडिकर अच्छा है, लेकिन मेरे पास अभी इस तरह का टेक्निक है कि मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। तो ये कहना था हमजा चिमाइब का। तो हमजा चिमाइब तो पूरी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है अपने नए कैंप में रॉबर्ट विडिकर को हराने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग कैंप हमजा चिमाइब को हेल्प करेगा रॉबर्ट विडिकर को हराने के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं रॉबर्ट विडिकर हरा देगा हमजा चिमाइब को? तो इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों वो जरूर हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।